आज तो एडवांस की एग्जाम थी, तो अभी पेपर वन हुआ है, पेपर टू अभी भी बाकी है। तो पेपर वन देखे तो बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी एक मेंस का टेस्ट हुआ था इस सेंटर पे। ओ, बहुत इम्प्रूव किया है, और इसका क्रेडिट तो फिजिक्स वाला के है। इस टेस्ट से मैं जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है वो पा रहा हूँ, उससे बहुत हेल्प होगा मेन टेस्ट में। मैं फिजिक्स वाला से ही पढ़ता हूँ और टेस्ट के लेवल ठीक ठाक ही है, तो रिलीवेंट भी लग रहा है क्योंकि PYQ के तरह है तो मैच तो हो रहा है। स्वाद JEE और NEET के प्रिपरेशन हुए और भी आसान। जी हाँ, क्योंकि फिजिक्स वाला ने JEE और NEET स्टूडेंट्स के लिए अपनी रियल टेस्ट सीरीज का विस्तार करते हुए इन सारी परीक्षाओं की तैयारी में नए स्टैंडर्ड्स का निर्माण किया है, जो छात्रों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। 10 नवंबर को फिजिक्स वाला PW ने अपनी रियल टेस्ट सीरीज RTS को JEE छात्रों तक भी पहुँचाने का फैसला किया। पिछले साल ये टेस्ट सीरीज सिर्फ NEET के लिए थी, लेकिन इस साल JEE छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। रियल टेस्ट सीरीज का मकसद है स्टूडेंट्स को एक रियल एग्जाम जैसे माहौल में अपनी तैयारी का इम्तिहान लेने का मौका देना, ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से समझ सके। ये सीरीज देश भर के छात्रों को उनकी रैंक और परफॉर्मेंस को और भी अच्छे तरीके से जानने का मौका देती है और सुधार के लिए जरूरी इनसाइट्स प्रदान करती है। इस सीरीज में क्लास 11 के JEE छात्रों के लिए 12 टेस्ट हैं, जिसका दाम सिर्फ 2,499 है। वैसे ही 12वीं और ड्रॉपर्स छात्रों के लिए 39 टेस्ट, 15 प्रोक्टोर्ड और 24 घर पर प्रैक्टिस के लिए OMR शीट्स के साथ रखे गए हैं, जिसका दाम 3,999 है। इस विस्तार के साथ फिजिक्स वाला का लक्ष्य है कि JEE और NEET के छात्रों को फायदेमंद और उपयोगी रिसोर्स प्रदान किए जाएं, जिससे उनकी एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत हो सके। फिजिक्स वाला अपने कमिटमेंट के साथ पूरे भारत के स्टूडेंट्स को उनकी एग्जाम तैयारी में सरल और अच्छे रिसोर्सेज देने के लिए जाने जाते हैं। रियल टेस्ट सीरीज की ये सफलता उसी मकसद को पूरा करती है, जिसमें हर छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलती है। आज तो एडवांस की एग्जाम थी, तो अभी पेपर वन हुआ है, पेपर टू अभी भी बाकी है। तो पेपर वन देखे तो बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी एक मेंस का टेस्ट हुआ था इस सेंटर पे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत हैबिचुएट हो जाता है हमारे पास कि हम बहुत एक्साइटेड या नर्वस होते हैं कि कब आएगा मेंस, हम कर सकेंगे या नहीं। तो ये रियल टेस्ट देकर सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो रहा है, और ये लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी था। हाँ, पहली बार जब आई थी मेंस के एग्ज़ाम देने पिछले महीने पे, तो और भी ज़्यादा नर्वस लग रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग, ऐसे एक एनवायरनमेंट। तो आज उससे थोड़ा कम लग रहा है, और ऐसे देते देते हो जाएगा हैबिचुएट कि मेंस में जाके उतना घबरा नहीं जाएंगे कि परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो आज भी थोड़ा नर्वस लगा, तो पर फिर भी ट्राई किया कंसेंट्रेट करने को। बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि घर में टेस्ट देना एक अलग बात थी, पर यहाँ आके टेस्ट देने से एनालिसिस और भी अच्छा हो रहा है। और वहाँ सिर्फ बैच के बच्चे देते थे, बैच के स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैच के बाहर सभी दे रहे हैं, और एक ऑल इंडिया रैंक भी आ रहा है हमारा। तो उससे बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो पा रहा है कि कौन से पोजीशन में है या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा आगे जाके हो सकता है। और हमारे पास डिटेल सॉल्यूशन और टॉप फैकल्टीज के द्वारा एक वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, और वो डिस्कशन से भी बहुत हेल्प होता है कि कौन से जगह पर कमी रहेगी या ये सब। कैसा था पेपर आज का? पेपर मॉडरेट था, मैं नहीं बोलूँगी कि पेपर वन बहुत टफ था या बहुत ईजी था, मॉडरेट था। कुछ टफ सवाल थे, मिलावट। আমরা তো ওরা এক্সপিরিয়েন্স করবে মেন্স অ্যাডভান্স এর পরে, তো কিন্তু এখানে ওরা এই প্র্যাকটিস টেস্টটা দিচ্ছে বলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টে কি করে বসে পরীক্ষাটা দেওয়া যাবে এবং কনসেন্ট্রেশন কিভাবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট নিজে করবে পুরোটা এখানে ফিজিক্স ওয়ালার তরফ থেকে এই প্র্যাকটিস টেস্টটা করে আমরা খুব খুশি এবং স্যাটিসফাইড। বহুত বহুত আছে, টিচার ফ্যাকাল্টি তো বহুত আছে, হাম বহুত স্যাটিসফাইড হ্যাঁ। 12 মে আকে তো ও বহুত ইম্প্রুভ কিয়া হ্যাঁ, ওর ইসকা ক্রেডিট তো ফিজিক্স ওয়ালা কে হ্যাঁ।
आगे आईआईटी हो जाए यही आशा करते हैं, अच्छे से कॉलेज मिल जाए। एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस टेस्ट से, मैं इस टेस्ट से मैं जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है वो पा रहा हूँ, उससे बहुत हेल्प होगा मेन टेस्ट में। मैं फिजिक्स वाला से ही पढ़ता हूँ और टेस्ट के लेवल ठीक ठाक ही है, तो रिलीवेंट भी लग रहा है क्योंकि PYQ के तरह है तो मैच तो हो रहा है, सो अच्छा लग रहा है। PW मेरा मार्क्स जो इंक्रीज कर रहा है हर एक मार्क्स में, उस मुझे अपना गलतियाँ पता चल रहा है तो उससे एनालिसिस करना थोड़ा ईजी होता है, तो उससे फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वही का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने का जो प्रेशर है वो यहाँ पर थोड़ा हैबिचुएट हो जाता हूँ, तो उससे जो है फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम जो है प्रॉब्लम होता है। फिजिक्स वाला सेंटर में एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी ठीक ठाक है तो इससे बहुत हेल्प हुआ। डेफिनेटली जब आप ऑफलाइन में आके देते हो एग्ज़ाम तो फिर आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि ऑफलाइन में कैसे कंप्यूटर में दिया जाता है, और ओवरऑल आपका हेल्प भी करता है। क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, उतने टफ नहीं थे और एग्ज़ाम अच्छा ही गया। एग्ज़ाम देने में अच्छा लगा क्योंकि कंप्यूटर वगैरह सब ठीक थे और एक्सपीरियंस अच्छा था। जब ऑफलाइन में आके देते तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसे बैठ के दिया जाता है टेस्ट, तो फिर आपको उस समय नया नहीं लगेगा कुछ।